सेफ्टी पहले, बाकी काम बाद में। अगर बाइक गिर गया ना तो काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। तो अभी ये लूज हो गई है, ठीक ना? तो ये टीसी का एक्सल और डिस्क है वही। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई लोग, मैं आज अंदर से कुछ दिखाने वाला हूँ जहाँ पे सब ट्रेनिंग होती है, और मेरे बाल बिगड़े हुए हैं भाई, वो हेलमेट लगाने की वजह से हो जाते हैं ऐसा। ले आज पूरा अंदर का टूर आपको कराएंगे, जहाँ पे इंजन असेंबल होता है और ब्रेकिंग सिस्टम जहाँ पे होता है और बियरिंग यही सब जहाँ पे होती, पूरा आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो पर बने रहिए। तो यार, मेरे लेफ्ट हैंड पर यहाँ पे एक बियरिंग का सेक्शन है, रोलर बियरिंग शॉप, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको। इनके पहिए लगे हुए रखे हुए हैं और ये यहाँ पे बियरिंग होती है, जैसे साइकिल में बियरिंग होती है पिछले पहिए पे, वैसे यहाँ पर बियरिंग होती है। और बियरिंग करने के बाद उसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है। बियरिंग अगर आपको मैं दिखा सकता हूँ, अगर कोई कुछ बोले ना, तो इस पहिए में आप देख सकते हैं कि बियरिंग आपको दिख रही है साफ साफ। ये रही बियरिंग, और इसी की आगे ऑयलिंग की जाती है। वहाँ पर वो सर लोग ऑयलिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे इसको इसमें फ्रिक्शन कम किया जा सके, पहियों में फ्रिक्शन कम किया जा सकते हैं, जिससे ये इजीली रोटेट हो सके। तो यहाँ पर बियरिंग होती है, वो देखिए कितनी सारी बियरिंग रखी हुई है यहाँ पे। तो दोनों साइड एक एक बियरिंग लगा दी जाती है पहिए के। मैं जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। और चले मॉरिस, अभी भाई साहब अंदर भी चलेंगे, अंदर क्या क्या काम होता है सब दिखाएंगे एक एक चीज़ आप लोगों को। तो यार, दे सकते हो, वो लोग बियरिंग में ग्रीस लगा रहे हैं। और ये यहाँ पर इंस्पेक्शन भी होता है बियरिंग का, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, रोलर बियरिंग इंस्पेक्शन। तो और यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, फिक्स किया जा रहा है आगे ऊपर जो पार्ट लगा रहता है, जो कवर रहता है बियरिंग का, उसको फिक्स किया जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो यार, ये कारखाना ऐसा बनाया गया है कि अंदर से बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। पता नहीं बारिश में क्या हाल होता होगा, मेरे बाल उड़ रहे हैं, तब हेलमेट का नतीजा है। तो बारिश में पता नहीं क्या हाल होता होगा। और यहाँ पर भाई मैं दिखाना चाहता हूँ, कोई भी काम हाथ से नहीं किया जाता है। हाथ से क्या उठा पाओगे? चुप कर बे कुत्ते, उठा ऐसी बात बोलते हो। तो भाई, हाथ से कहने का मतलब है यार, हाँ, इतनी भारी भारी चीज़ें हैं, अब उठा भी नहीं पाओगे। मैं दिखा सकता हूँ कितने सारे पहिए रखे हुए हैं यहाँ पे। तो यार, देख सकते हो, ये एक एक पहिया, मॉरिस एक पहिया कितने किलो का होगा? हजार किलो का बता रहे हैं। यार देख सकते हो, इस मशीन को क्या बोलते हैं पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता इस मशीन का नाम। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना यार, इस मशीन को क्या बोलते हैं। मेरा मत लगाना, हम लगा देंगे, तुम्हारी फोटो आएगी आज। देख सकते हो, गियर लगा हुआ है, पहिए में गियर लगा हुआ है मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में मोशन को इसके ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है। और देख सकते हो यार, हाँ, एक ही साफ लगती है, एक ही साफ लगती है ट्रेन में, तभी कुछ न कुछ तो होता ही होगा इसका। मोशन को ट्रांसफर ही करने के लिए तो इसको बनाया गया होगा। यार देख सकते हो कितना, मतलब इतने बड़े बड़े पहिए हैं, जैसे कि डंबल, पहिए हैं जैसे कि डंबल। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। तो यार, मैं आपको व्हील प्रेस मशीन दिखाने वाला हूँ कि व्हील प्रेस मशीन क्या होती है। इसका काम तो मुझे नहीं पता, पर देख के पता लगेगा क्या काम होता है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये रही भाई व्हील प्रेस मशीन। तो जैसा कि देख सकते हो, लो भाई, इनकी फ़ोटो भी खिंच जाए, लगे हाथों लो पाएगा। ये देख सकते यार, व्हील प्रेस मशीन ऐसे काम करती है यहाँ पर। हम भी देख लें व्हील प्रेस मशीन का क्या काम होता है भाई। ये इतनी भारी 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 भरकम व्हील्स को ईजिली उठा लेता है भाई, हाथ से तो उठे ही ना। मॉरिस, उसको उठा पाओगे हाथ से? खुद उठ जाओगे, खुद उठ जाओगे।
इसका काम आज हम लोग देखते हैं क्या काम करती है व्हील मशीन। यहाँ के वीडियो बना सकते हो, परमिशन मिल गई तो भी। तो यार यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोलर बोल सकते हैं इसको। और ये मुझे नहीं पता, ये चक घुमाने के लिए आगे जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ। अरे यार गिर जाएगा पैर। सर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी लूज हो गई है ना, आइए हम माइकिंग कर लेते हैं, बाद में दीजिएगा। तो अभी ये लूज हो गई है ठीक ना, तो ये टीसी का एक्सल और डिस्क है वही खुल रहा है। उसके बाद गियर लगाया जाता है? नहीं, ये टीसी का है जो मालगाड़ी में लगती है ना, तो वही है। ये मोटर कोच है, ये जो डीएमयू में देखते हैं ना वही है। हाँ थोड़ा हट जाइए भैया, वीडियो तो बना रहे हैं, बच बच के बनाइए। ठीक है, सेफ्टी पहले, बाकी काम बाद में। अगर भाई गिर गया ना तो काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। पहिया चेंज कर रहा था, बड़ी वाली पहिया जो होती है वो मालगाड़ी में लगती है। कौन सी? ये वाली, वो छोटी है भाई, तो बता रहा था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर भाई पहिए को चेंज किया जाता है। बड़ी वाली पहिया मालगाड़ी में लगती हैं और छोटी वाली पहिया जो है पैसेंजर गाड़ी में लगती हैं, ये सर बता रहे थे। हमको तो फिलहाल अभी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा पहला ही दिन है, धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी।